हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं कपड़े सिलने बैठी तो ये मशीन ही नहीं चल रही थी, तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। तो इसको मैंने चेक किया तो इस तरह से, तो इसकी सिर्फ लाइट जल रही है और ये चल नहीं रही है। तो काफ़ी कोशिश के बाद भी ये नहीं चली। फिर इसे निकाला हमने, प्लग को, इस प्लग को निकाल कर दोबारा से लगाया चेक करके, तो उसके बाद भी ये अच्छे से हमने इसे चेक किया और फिर भी उसके बाद भी नहीं चली है। ये देखिए, तो सिर्फ लाइट लाइट इसकी जल रही है, मशीन नहीं चल रही है। तो इसका हमने पहिया घुमा कर देखा तो पहिया तो घूम रहा है। अगर मशीन ख़राब होती, मशीन की मोटर, तो इसका पहिया नहीं घूमता और ये लाइट भी नहीं जलती। तो मशीन तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सीलेटर ख़राब हो गया है इसका। तो अब इसे हम खोलेंगे और ठीक करेंगे, ठीक है। तो इसे इस तरह से खोलेंगे, इसका ये पेचकस डालकर, क्योंकि इसमें कोई भी पेच नहीं होता है, तो इसे फंसा कर इस तरह निकाल देंगे। तो कभी भी आपके साथ भी ऐसा हो तो इसी तरह आप चेक कर सकते हैं इसे। तो फिर हमने इसे खोल दिया, ये देखें। अब इसके अंदर का चेक करेंगे कि इसमें आखिर खराबी क्या हुई है। तो ये टेस्टर से हम इसको चेक करेंगे, तो ये देखिए, ये तो ठीक है क्योंकि इसमें लाइट जल रही है और ये भी ठीक है, जिससे हम दबाते हैं तो कम तेज़ होती है मशीन, वो भी ठीक है। और आगे वाले पुर्जे देखेंगे हम इसके, ये देखें, तो ये सब भी ठीक है, इसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। तो डायरेक्ट हम इसे करके देखते हैं। तो ये देखें, इस पे हम पेचकस रखेंगे ये यहाँ, और फिर देखेंगे चल रही है मशीन या नहीं चल रही। तो ये देखें, उस पे लगाने के बाद ये चलने लगी, तो यानी कि वो भी डायरेक्ट वाला भी सिस्टम ठीक है इसका। तो अब ये देखें, चल रही है, इस पे रखा है हमने पेचकस, तो मशीन चल रही है। फिर हम ये जो पेच है इसमें लगा हुआ, उसको खोलेंगे, पहले इसे निकालेंगे इस तरह से, क्योंकि इसको निकाल कर ही उसको खोलेंगे, पेच को, ठीक है। ये ऊपर नीचे होता है इस, तो ये वाला पेच हम चार मुंह वाले पेचकस से इसे खोल देंगे। फिर इसमें उल्टा करके इसे देखेंगे हम कि इसमें खराबी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से खोल कर और इसे हम देखते हैं, तो इसके पीछे से इस कॉइल का कांटा का हट गया है, यानी ये अलग हो गया है। तो ये मुझसे गिर गई थी, तो इसी वजह से हुआ है शायद। तो अब इसमें हम टाका लगाएंगे, तो इसमें ये देखें, उल्टी तरफ से सारे टाके लगे हुए हैं, तो ये एक टाका इस कॉइल का हट गया है, तो इसी वजह से ये एक्सीलेटर नहीं चल रहा। तो अब इसमें हम टाका लगाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए काइया, तो वो हमारे घर में मौजूद है क्योंकि सारा सामान रहता है, तो हम उससे इसमें टाका लगाएंगे। तो इस तरह इसे गर्म कर लिया है और ये काइया इस पे लगा कर ऐसे, तो इस कॉइल का तार हम निकालेंगे दूसरी तरफ, जैसे ये निकल गया है, दबा कर उंगली से, और इस पे तार पे हम इससे टाका लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये जुड़ गया, तो अब इसे हम चेक करेंगे कि ये ठीक हुई है, चल भी रही है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं,
ये देखिए इससे हम चेक करेंगे। देखिए इसको हम आगे करेंगे तो ये देखिए, तो इसमें ख़राबी यही थी, उसका टाका छूट गया था तो हमने लगा दिया, ये मशीन देखो चलने लगी, तो ये एक्सीलेटर ठीक हो गया। तो जैसे जैसे हमने खोला था उसी तरह हम इसे कस देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ठीक हो गया। बस इसमें यही ख़राबी थी, टाँका इसका हट गया। तो जब भी अगर आपका ये ख़राब हो गया है तो उस ये पेज खोलकर उसको उल्टा करके देख लें कि टाँका तो कहीं से नहीं हट गया, तो मतलब उसका तो ठीक हो जाएगा। तो इसमें तो यही ख़राबी थी, तो ये देखें ये ठीक हो गया है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले। तो इसको मैं दोबारा चलाकर दिखाऊंगी अभी ये कसने के बाद। तो ये वैसे ही सेम हमने इसको लगा दिया है और इसको हम अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे तो दोबारा से हम चलाकर दिखाएंगे आप। तो ये दबा कर इस तरह रख कर और इसको बंद कर देना है। ये देखिए ये हो गया ठीक। तो अब हम दोबारा चलाकर दिखा देते हैं। ये देखिए चलने लगी, तो बस यही ख़राबी थी इसमें, तो बिल्कुल ठीक हो गई है। ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।